बताओ, यकीन करो, इस इल्म बातन के बगैर इल्म जहर बेकार है। एक हदीस में है, ये जो जहर है ये बातन की नकल है। बात कह देते हैं, फतवे तो पहले ही काफी लगे हुए हैं कि ये जो दुनिया है ये बातन की नकल है। असल उधर है, नकल इधर आया है। ऐसे सबसे पहले ये जो औरत जिस पे तुम मरते हो ये भी नकल है ना। असल तो हो रहे हैं उधर, वो तुम्हारे लिए असल है, वो हो रहे हैं, ये नकल है, उनकी जगह आई है। उसके बाद ये जो तुम्हारे मकान तुम बनाए हो ये भी नकल है। उधर सोने चांदी के महलात हैं, इधर ईंटें गारे के मकान है, ये भी उनकी नकल है। नकल है ना। उसके बाद ये जो तुम फ्रूट खाते हो, खाना खाते हो, ये भी नकल है। सबसे पहले अंगूर आया, ऊपर से बहशत से आया, आदम अलैहिस्सलाम ने खाया, वो असल था, फिर वो जमीन में गया, फिर उगा, फिर जमीन में गया, उस नकल नकली हो गया ना। अब इसमें जमीन की तासीर हो गई और ये भी नकल। और तीसरी, जिस खाने काबा में तुम जाते हो, कितने प्यार से जाते हो, वो यकीन करो वो भी नकल। वो असल खाना काबा बैतुल मामूर है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दिखाया, खाम में दिखाया कि ऐसे ही नकल का खाना काबा बना, उन्होंने ऐसे ही खाना काबा बना। असल तो ऊपर है ना, असल में असली जाए ना, इसमें तो नकली भी जा सकता है, हर किस्म का आदमी जा सकता है, उसमें तो नकली नहीं जाएगा, उसमें तो असली बनना पड़ेगा। और यकीन करो ये तुम्हारा जो कुरान मजीद है ये भी नकल। और ये भाई प्रेस से आया, कागज यहां से खरीदा, प्रेस लगाया, वो नकल है ना। असल जो कुरान मजीद है उसमें असली पहुंचेगा, वो तो नूरी अल्फाज हजूर पाक के सीने मुबारक में। मेरा शाही तीन नबी का सच्चा दाई। असली बनोगे तो असल तक पहुंचोगे, अगर असली दी बनोगे तो नकली नकल है तुम्हारे लिए। और यकीन करो ये तुम्हारी नमाजें भी नकल। वो असल नमाज मोमन का मेराज है, तो ये नमाज फिरकों में मुबतला करके ले गई, ये नमाज सूरत है। मजद साहब फरमाते हैं हर आदमी की नमाज सूरत है, सूरत नकल को बोलते हैं, खासान खुदा की नमाज हकीकत है। फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे, नमाज हकीकत महराज है, और ये नमाज नकल ये फिरकों में 72 फिरकों में तकसीम हो गई। अब उस बातन के बगैर जहर का कोई कबूलियत नहीं है, नमाजों की भी कबूलियत नहीं है, क्योंकि इनमें बातन नहीं है ना। बातन क्या है? जहर लोगों को दिखाने के लिए, बातन अल्लाह को दिखाने के लिए। जहर के लिए हुक्म है तू ऐसी इबादत कर, मस्जिद में जाके कर, ताकि लोग देखें जाके कि तू नमाजी है। और बातन के लिए हुक्म है ऐसी इबादत कर, चुपके चुपके कर, तू जान और मैं जानू, इसको भी खबर ना हो। वो बातन की इबादत क्या है? वो जब तुम्हारा कल्ब अल्लाह में लग जाएगा, या तुम्हें खबर होगी तो या अल्लाह को होगी, इसको भी नहीं पता ये क्या कर रहा है।